जेई 1997 की है प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। अ सैंपल ऑफ 2 केजी मोनो एटॉमिक हीलियम अज्यूम टू बी आइडियल टेकन थ्रू द प्रोसेस ए बी सी एंड अनदर सैंपल ऑफ 2 केजी ऑफ द सेम गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ए डी सी। दो सैंपल है, दोनों 2 केजी के हैं, दोनों हीलियम गैस के हैं, और एक को हमने ए बी सी के थ्रू लिया है और एक को ए डी सी के थ्रू लिया है। दो डिफरेंट प्रोसेस है लेकिन दो डिफरेंट सैंपल के लिए। गिवन मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम इज 4, प्रेशर इज गिवन इनटू 10^4 टाइम्स ऑफ द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू 5 × 10 ऑन वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, दैट इज 10 m³ एंड 20 m³। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हीलियम इन ईच ऑफ दिस स्टेट्स ए बी सी एंड डी। टेम्परेचर फाइंड करना है हमें हीलियम का। इज देयर एनी वे ऑफ टेलिंग आफ्टरवर्ड्स विच सैंपल ऑफ हीलियम वेंट थ्रू द प्रोसेस ए बी सी एंड विच वेंट थ्रू द ए डी सी, राइट यस और नो। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि किस सैंपल को ए बी सी से लिया गया है और किसको ए डी सी से लिया गया है आफ्टरवर्ड्स? तो हम यह बाद में देखेंगे, पहले टेम्परेचर फाइंड करते हैं। और लास्ट में पूछा जा रहा है हाउ मच इज द हीट इन्वॉल्व द प्रोसेस ए डी सी एंड ए ए बी सी। तो टेम्परेचर फाइंड करते हैं, टी ए क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल इज मास दैट इज 2000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज 4, इट इज 500 मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स इज 500। टेम्परेचर हो जाएगा पीवी बाय आर एन आर। तो टेम्परेचर ऑफ केस ए दैट इज पी वी ए पी ए वी ए बाय एन आर। तो पी प्रेशर एट ए, पी ए जो होगा 5 × 10^4 होगा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 10 डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ मोल दैट इज 500 एंड आर दैट इज 8.31। सॉल्विंग दिस यू विल गेट 120 केल्विन, नियरली 120 केल्विन। सिमिलरली इफ यू गेट टेम्परेचर ऑफ बी, पी प्रेशर ऑफ द बी, प्रेशर इज 10 × 10^4 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 500, 8.31। सो इट कम्स आउट टू बी डबल ऑफ दिस, नियरली डबल ऑफ दिस, दैट इज 240 केल्विन। मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में बिलीव करता हूं। सिमिलर टी सी इज द पी सी वी सी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर टी सी। टेम्परेचर यहां फाइंड करना है 10 × 10^4, दिस इज द प्रेशर, वॉल्यूम इज 20 अपॉन नंबर ऑफ मोल इज 500 इंटू 8.31, दिस इज 20, दिस इज 10, दिस इज 20। सो इसका भी डबल हो जाएगा टी सी, TC will be double to that, this will be 280 Kelvin. And similarly, you can find the temperature TD. TD जो होगा इसका हाफ होगा, 480 का हाफ होगा, this is 480 basically. इसका double, that is 240 का double 480, और 480 का हाफ that is 240 Kelvin. क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से एक क्वांटिटी हाफ हो जाती है, तो 480/2 दैट इज 240 केल्विन हो जाएगा। तो टेम्परेचर फाइंड करना तो बहुत आसान है यहां पर। अब हम क्या कहना चाहते हैं, एबीसी से आप सैंपल के ले जाएं या एडीसी के थ्रू सैंपल को ले जाएं? जब सैंपल फाइनल स्टेट में होगा तो आप उसे नहीं बता सकते कि वो किस प्रोसेस से हुआ है, क्योंकि फाइनल स्टेट में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, और आफ्टरवर्ड्स जब प्रोसेस हो चुका है तब आप नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए आंसर होगा नो, नथिंग कैन बी सेड। अगर आप इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर उसके लिए वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप बता सकते हैं किस प्रोसेस को आपने कहां से ले गए हैं, क्योंकि हीट और वर्क डन जो होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं, जबकि फाइनल पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स पर इंटरनल एनर्जी जो होती है सेम होती है, चाहे आप किसी पॉइंट से वहां पहुंचे, किसी भी पाथ से वहां पहुंचे। तो हाउ मच इज द हीट इन्वॉल्व इन प्रोसेस ए बी सी एंड ए डी सी।
और अब हमें फाइंड करना है हाउ मच इज द हीट इन्वॉल्व इन प्रोसेस ए बी सी एंड ए डी सी। ए बी सी में हीट इन्वॉल्व कितना होगा, हीट जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस होता है। तो ए बी सी में, इन ए बी सी डेल्टा यू इज वॉट, डेल्टा यू इज चेंज इन टेम्परेचर इंटू एन सी वी, दैट इज एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा यू डिपेंड करता है डेल्टा टी पर। एन नंबर ऑफ मोल दैट इज 500, सी वी मोनोएटॉमिक गैस के लिए सी वी होता है 3/2 R और चेंज इन टेम्परेचर ए टू सी में टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, दैट इज टी सी माइनस टी ए फाइंड करना होगा, 480 - 120 दैट इज 360 केल्विन। कैलकुलेट करेंगे इसे, इट विल बी 2.24 × 10⁶ जूल। और यदि आप W फाइंड करना चाहते हैं यहां से यहां तक का एडीसी में, तो आपको एरिया बिलो द कर्व फाइंड करना होगा। तो W जो हो जाएगा एरिया हो जाएगा, और एरिया जो होगा हाइट दैट इज 10 × 10⁴ इंटू विड्थ दैट इज 20 - 10 10 m³। सो इट इज 10⁶ जूल। सो हीट एबीसी क्यू एबीसी की वैल्यू जो हो जाएगी, इन दोनों का सम होगी, इन दोनों का सम जो होगा 2.24 × 10⁶ और 10⁶ का सम हो जाएगा ये 3.24 × 10⁶ जूल। सिमिलरली यदि आप क्यू एडीसी फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इन द वर्क एडीसी फाइंड करना होगा, जबकि डेल्टा यू दोनों केस में सेम होता है, चाहे एबीसी से जाए एडीसी से जाए। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है थर्मोडायनामिक्स में कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डेल्टा यू ऑलवेज सेम होता है, इसलिए डेल्टा यू आप लिखेंगे 2.24 × 10⁶ अगेन प्लस वर्क एडीसी। वर्क एडीसी क्या होगा, वर्क एडीसी इस एरिया का इक्वल होगा, और यह एरिया जो होगा 5 × 10⁴ × 10 होगा, जो कि 0.5 × 10⁶ हो जाएगा। 5 × 10⁴ × 10 दैट इज 0.5 × 10⁶, बेसिकली इसका हाफ होगा, क्योंकि यह 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहां 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका हाफ हो जाएगा 0.5 × 10⁶। सो दिस विल बी 2.74 × 10⁶ जूल। दिस इज द आंसर फॉर द क्यू ए डी सी। तो आइए आगे देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कैलकुलेशंस बहुत होती है थर्मोडायनामिक्स में जैसा कि हमने देखा है, लेकिन इजी होता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, आईडी जे 1998 की प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन राउंड द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए एज शोन इन फिगर, ए टू बी सी ए एन अगेन। कैलकुलेट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। तो कैलकुलेट करते, वर्क डन बाय द गैस जो होता है वो एरिया इनक्लोज इन द कर्व होता है, और एरिया एनक्लोज यह होता है एरिया एनक्लोज दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ बेस इज दिस विथ दैट इज 2V0 - V0 दैट इज V0 एंड हाइट इज 3P0 - P0 दैट इज 2P0। सिंपली इट इज P0 V0 इज द वर्क डन बाय द गैस इन ऑल द फुल इन फुल साइकिल, फुल साइकिल वर्क डन इज द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द हीट रिजेक्टेड बाय गैस इन द पाथ सी ए एंड हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन पाथ ए बी। हीट रिजेक्टेड फाइंड करना है, दैट इज क्यू सी ए फाइंड करना है हमें। सी ए इज आइसोबारिक प्रोसेस, आप देख रहे हैं प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो यह हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। और एन नंबर ऑफ मोल देख रहे हैं आप, वन मोल है, सी पी जो है वो हो जाएगा मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, तो सी पी हो जाएगा 5/2 R और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। सी टू ए, सी टू ए चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, टी ए माइनस टी सी होगा।